Hello everyone, this is Sachin Anthi. Last time we have completed with the external genitalia and now today we will start with the ovaries. तो देखो जो अपनी ओवरीज होती दीज आर पेयर्ड प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स रिजेंबल टू एन आमंड। एक जो अपना बादाम होता है उसके शेप और साइज से काफी रिजेंबल करते हैं। दीज आर फीमेल गोनाड्स एंड इनको हम एग रिसेप्टेकल्स के नाम से भी जानते हैं। दूसरा दीज आर होमोलोगस टू टेस्टिस। तो होमोलोगस का यहां मतलब है सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन, सिमिलर इन एम्ब्रियोनिक ओरिजिन। फिर जो अपनी ओवरीज होती दीज प्रोड्यूस गैमेट्स ओवम या फिर हम बोल सकते हैं एग सेल एंड हॉर्मोन्स। हॉर्मोन्स है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन रिलैक्सिन एंड इनहिबिन। इसमें से जो अपने एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है दीज आर फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स। तो जैसे कि जो हमने टेस्टिस के केस में देखा था टेस्टिस बनती तो एब्डोमिनल कैविटी में है बट दे डिसेंड डाउन इन द स्क्रोटम बाय द 7th मंथ ऑफ इंट्राउटराइन लाइफ। तो सिमिलरली जो अपनी ओवरीज होती हैं दे आल्सो डिसेंड डाउन बाय द ड्यूरिंग द 3rd मंथ ऑफ इंट्राउटराइन लाइफ। तो ये अपना ओवरीज के बारे में था। नाउ वी विल मूव टू द टीएस ऑफ ओवरीज। एक बार हम इनका ट्रांसवर्स सेक्शन देख लेते हैं। तो देखो जो ओवरीज होती है उसकी जो आउटर मोस्ट लेयर होती है उसको हम बोलते हैं जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम से आपको याद आएगा जब हमने टीएस करा था टेस्टिस का उसमें भी जो जर्मिनल एपिथेलियम थी जर्मिनल एपिथेलियम विल गिविंग राइज टू द स्पर्म्स। But in case of germinal epithelium of ovaries, they are not giving rise to ova. ये ova को produce नहीं करते हैं। मतलब जो germinal epithelium ovaries की है, उनको germinal epithelium बोलना सही तो है नहीं। But पहले के लोगों का ऐसा मानना था कि जो ये layer है,
ये ओवम को प्रोड्यूस करती है, इसलिए इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम रख दिया गया। बट द सेल्स दैट प्रोड्यूस ओवा माइग्रेट फ्रॉम द योक सैक इनटू द ओवरीज। तो जो सेल्स ओवा को प्रोड्यूस करते हैं वो योक सैक से माइग्रेट करके ओवरीज में आते हैं और ओवम को प्रोड्यूस करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं हम, नॉट एक्यूरेट टू कॉल इट एज जर्मिनल एपिथेलियम बिकॉज इट इज नॉट गिविंग राइज टू राइज टू ओवा। पर पहले का लोगों का ऐसा मानना था कि यही लेयर ओवम प्रोडक्शन करती है, मतलब इसी के सेल से ओवा बनता है, इसलिए इसका नाम जर्मिनल एपिथेलियम रख दिया गया। फिर द सेल्स दैट प्रोड्यूस ओवा और माइग्रेट फ्रॉम योक सैक इनटू ओवरीज ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। जो सेल्स ओवम प्रोडक्शन करते हैं वो सेल्स योक सेक्स से ओवरीज में आते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। देन उसके बाद जो अपनी सेकेंड लेयर आती है इसका नाम है ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ये कैसी लेयर है? इट इज अ व्हाइट कैप्सुलर लेयर। देन इसके बाद जो एरिया बिल्कुल जस्ट ट्यूनिका एल्बुजिनिया के बाद प्रेजेंट होता है इसको हम बोलते हैं ओवेरियन कॉर्टेक्स। ओवेरियन कॉर्टेक्स जो अपनी ओवेरियन कॉर्टेक्स होती है इसमें ओवेरियन फॉलिकल्स प्रेजेंट होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस में। प्रेजेंस ऑफ ओवेरियन फॉलिकल्स इन डिफरेंट स्टेजेस ओवेरियन फॉलिकल और कुछ नहीं है, जो अपना फीमेल गैमेट यानी कि ओवम होता है उसी के मैच्योर होने से पहले की जो फॉर्म्स होती हैं उनको हम ओवेरियन फॉलिकल बोल देते हैं। देन इसके बाद जो ये सेंट्रल वाला पार्ट है ओवरी का इसको हम बोलते हैं मेड्यूला, ओवेरियन मेड्यूला। कंटेन्स डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज connective tissues। इसमें जो मेडुला उसमें प्रेजेंट होते हैं डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यूज कंटेनिंग ब्लड वेसल्स प्लस नर्व्स प्लस लिम्फ वेसल्स। इन दोनों के बारे में एक चीज और है, जो मेडुला और जो अपनी कोर्टेक्स है इनके बीच में मतलब ऐसी कोई डिमार्केटेड लेयर नहीं है कि ये वाला एरिया ये कोर्टेक्स का और ये मेडुला का, ये दोनों के साथ एक साथ इंटरमिक्सिंग से है, मर्ज करते हैं एक साथ। तो इसको लिख सकते हैं यहां कोर्टेक्स एंड मेडुला आर नॉट वेल डिफरेंशिएटेड। तो ये तो था अपना ओवरी का टीएस। इसके बाद हम मूव करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।
तो जो अपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में जो पार्ट थे, फर्स्ट था प्राइमरी सेक्स ऑर्गन्स, वो हम कंप्लीट कर चुके, एक्सटर्नल जेनिटेलिया हम कंप्लीट कर चुके। अब जो चीज रहती है वो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, उन्हीं से हम शुरू करते हैं। तो जो अपने सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स, तो उसमें क्या-क्या आता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन्स में सबसे पहले आते हैं ओविडक्ट्स या फिर फेलोपियन ट्यूब्स। तो ओविडक्ट्स के क्या क्या पार्ट होते हैं? फिम्ब्रिया, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। तो जो अपना ओविडक्ट होता है उसमें ये चार पार्ट होते हैं। देन उसके बाद जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर आता है वो है अपना यूट्रस, देन सर्विक्स एंड इन लास्ट वी हैव वेजाइना। तो आज हम इन सभी पार्ट्स को डिटेल में स्टडी करेंगे, इनके अरेंजमेंट देखेंगे और इनके फंक्शंस देखेंगे। तो शुरू करते हैं सबसे पहले डायग्राम से, जो इनके अरेंजमेंट है डिफरेंट पार्ट्स के वो किस तरह से है। तो देखो जो ये अपना पार्ट है ये है अपनी ओवरीज। ओवरीज क्या करती है? ओवा का प्रोडक्शन करती है। फिर जो ओवा प्रोड्यूस होता है उनको रिसीव करता है फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको हम बोलते हैं फिम्ब्रिया। तो ये क्या है? दीज आर फिम्ब्रिया और ये है अपनी ओवरी। तो ओवरी क्या करेगी? ओवा प्रोड्यूस करेगी। और ये फिम्ब्रिया क्या करेंगे, इनका क्या फंक्शन होगा? फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, स्ट्रक्चर्स रिसीव्स ओवा फ्रॉम ओवरी। तो ये ओवा को कलेक्ट करता है ओवरीज से। देन इसके बाद जो अपना सेकंड पार्ट आता है ये वाला पार्ट, इसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम अपना कैसा पार्ट है? फनल शेप्ड पार्ट। देन उसके बाद जो अपना ओविडक्ट है, इसका जो सबसे वाइड पार्ट या फिर ब्रॉड पार्ट आता है वो अपना एम्पुला। दिस इज एम्पुला। एम्पुला कैसा पार्ट है? ब्रॉड एंड वाइडेस्ट एंड वाइडेस्ट। देन उसके बाद जो ये वाला पार्ट आता है, दिस पार्ट, दिस इज अवर इस्थमस। तो जो अपना इस्थमस होता है कैसा पार्ट होता है? शॉर्ट नैरो एंड थिक वॉल्ड। शॉर्ट नैरो एंड थिक वॉल्ड। तो जो अपना ये इस्थमस वाला पार्ट है मान लीजिए, और यहां से अपना एम्पुला शुरू होता है, तो इन दोनों के बीच में जो ये इस तरह से पार्ट प्रेजेंट होता है, इस रीजन को हम बोलते हैं जहां दोनों इस्थमस और एम्पुला मिलते हैं, एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन। जो एम्पुलरी इस्थमिक जंक्शन, इसकी स्पेशलिटी क्या है? साइट फॉर फर्टिलाइजेशन। तो जब अपने फिम्ब्रिय, इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस ये सारे मिलके क्या बनाते हैं? दीज और कलेक्टिवली कंट्रीब्यूट्स टू फॉर्मेशन ऑफ ओविडक्ट। ये ओविडक्ट बनाते हैं। देन इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो है अपना यूटेरस। तो जो ये यूटेरस होता है ये कवर होता है डिफरेंट लेयर्स से।
तो जो अपनी आउटर लेयर है इसको हम बोलते हैं पेरिमेटर। आउटर थिन कवरिंग। देन उसके बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो आती है मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम कैसी है? मिडल मस्कुलर शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस। पेरिमेट्रियम के बाद जो सेकेंड लेयर आती है वो अपनी मायोमेट्रियम मिडिल लेयर है, थिक है, मस्कुलर है। इट शोज स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रेक्शंस ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। देन उसके बाद जो इनमोस्ट लास्ट लेयर आती है वो है अपनी एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम अपनी कौन सी लेयर है? इनर मोस्ट है, ग्लैंडुलर, एंड दिस लेयर अंडरगोज डिफरेंट फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। अंडरगोज फिजिकल चेंजेस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये अपने डिफरेंट लेयर्स थे जो कि यूट्रस को कवर करते हैं। देन उसके बाद जो डोम शेप्ड पार्ट है यूट्रस का, इसको हम बोलते हैं फंडस। ये जो अपर वाला पार्ट है कर्व्ड है जो, इसको फंडस बोलते हैं। फिर जो ये वाला पार्ट है दिस पार्ट जहां से ओविडक्ट यूट्रस से जुड़ते हैं इसको हम बोलते हैं कॉर्नुआ। दिस इज कॉर्नुआ। और जो ये वाला पार्ट है, ये बाकी जो बच गया इसको हम बोलते हैं बॉडी ऑफ यूट्रस। ये अपनी बॉडी है और ये है अपनी यूटेराइन कैविटी। यूटेराइन कैविटी ये अपनी सारी की सारी यूटेराइन कैविटी है। देखो यहां से अपना एग रिलीज होगा जिसको फिम्बरिया रिसीव करेंगे। इसके थ्रू ये यहाँ पे पहुंचेगा एम्पुलरी स्टमिक जंक्शन पे, जहां पे अगर मेल गैमेट प्रेजेंट हो तो क्या होगा? फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा वो यूटेराइन कैविटी में आके यहाँ पे इसमें अपनी जो एंडोमेट्रियम है इसमें आके इम्प्लांट हो जाएगा और इसकी जो फर्दर ग्रोथ है डेवलपमेंट है वो सारी यूटेराइन कैविटी के अंदर ही टेक प्लेस करेगी। वो जो सारे इवेंट है उन सारे इवेंट्स को हम सीरीज में बाद में स्टडी करेंगे। तो अभी मैंने आपको सिर्फ बेसिकली समझाने के लिए बताया कि कैसे क्या क्या इसमें होता है। फिर इसके बाद जो अपना नेक्स्ट पार्ट आता है वो अपना सर्विक्स। दिस नैरो कॉन्स्ट्रक्टेड पार्ट इज कॉल्ड एज सर्विक्स। ये अपना क्या है? सर्विक्स। यहां एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है और यहां एक ओपनिंग प्रेजेंट होती है। जो अपर ओपनिंग है दिस इज इंटरनल ओएस, इंटरनल ओस। जो इंटरनल ओस होती है उसका क्या फंक्शन है? इट कनेक्ट द सर्विक्स टू द यूट्रस। क्या लिख सकते हैं? कनेक्ट सर्विक्स टू यूट्रस। और जो अपना ये है एक्सटर्नल ओस, एक्सटर्नल ओस, इसका क्या काम है? कनेक्ट द सर्विक्स टू द वेजाइना। कनेक्ट्स सर्विक्स टू वेजाइना। तो जो एक्सटर्नल ओस है वो सर्विक्स को वेजाइना से कनेक्ट करता है और जो ये इंटरनल ओस और एक्सटर्नल ओस के बीच में जो एक कैनाल है इसको बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल। दिस पार्ट, ये वाला, इन दोनों के बीच का ही पार्ट है, इसको हम बोलते हैं सर्वाइकल कैनाल।
सर्वाइकल कैनाल। फिर उसके बाद जो अपना पार्ट आता है ये है अपनी वेजाइना, दैट इज नियरली अबाउट 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो देखो जो अपनी वेजाइना होती है इससे क्या क्या फंक्शन होते हैं। एक तो कॉपुलेटरी ऑर्गन, दूसरा सर्वाइक्स बर्थ कैनाल, तीसरा आउटवे फॉर द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड। तो जो अपनी वेजाइना होती है देखिए दिस इज अबाउट नियरली 10 सेंटीमीटर लॉन्ग, और जो अपनी वेजाइना इट इज पार्शियली कवर्ड बाय अ मेम्ब्रेन। ये पार्शियली कवर्ड होती है मेम्ब्रेन को, जिसको हम बोलते हैं हाइमन। और जो अपनी वेजाइना होती है इसमें कुछ सर्टेन बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं विच आर लैक्टोबैसिलाई। तो जो लैक्टोबैसिलाई क्या करते हैं, दीज फर्मेंट द ग्लाइकोजन हेयर टू प्रोड्यूस एसिडिटी। जो एसिडिटी होती है इट विल रेस्ट्रिक्ट द अनवांटेड ग्रोथ ऑफ माइक्रोब्स, मतलब एसिडिटी क्रिएट करके जो अनवांटेड माइक्रोब्स है उनकी ग्रोथ को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो गाइस ये तो अपना जो अपनी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है या फिर सिस्टम है उसका स्ट्रक्चर था। उसके बाद कुछ असेसरी चीजें और होती हैं जो मैं आपको अच्छे से बता देता हूँ एक बार आपकी नॉलेज के लिए। जो अपना फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट है इसको एक स्पेसिफिक पोजीशन में होल्ड करने के लिए डिफरेंट लिगामेंट प्रेजेंट होते हैं। मैं वो बताता हूँ कौन से लिगामेंट। उससे पहले जो अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट की जो कैविटी है ये एंटीरियर साइड से यानी कि जो अपनी एब्डोमिनल वॉल है वहां से तो ये ब्लैडर से कवर होता है, और पीछे की साइड इसके रेक्टम प्रेजेंट होता है। तो अगर हम बोले तो इट इज प्रेजेंट बिटवीन द एंटीरियरली फ्रॉम ब्लैडर एंड फ्रॉम पोस्टीरियरली बाई रेक्टम। तो आगे से तो एंटीरियर पोर्शन तो इसका जो ब्लैडर है यूरिनरी ब्लैडर है उससे कवर होता है, और जिसका पोस्टीरियर पोर्शन है वो रेक्टम से कवर होता है। ये उन दोनों के बीच में प्रेजेंट होता है। तो देखते हैं ये इस तरह से पूरे में यहाँ पे लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट। तो ये यहाँ पे पूरे में एक लिगामेंट प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं ब्रॉड लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट। ये जो ब्रॉड लिगामेंट होते हैं इसका फंक्शन क्या होता है, सपोर्ट्स ओविडक्ट्स यूटेरस एंड वजाइना, ये उनको सपोर्ट करता है पोजीशन मेंटेन करने में। और जो ब्रॉड लिगामेंट होता है इट इज अ पार्ट ऑफ पेराइटल पेरिटोनियम। फिर उसके बाद जो आता है वो अपना मीसोवेलियम, ये वाला दिस पार्ट। यहाँ पे जो लिगामेंट पूरे में प्रेजेंट होता है उसको मीसोवेलियम बोलते हैं। ये मीसोवेलियम क्या होता है, डबल लेयर्ड फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। ये भी पेरिटोनियम का एक डबल लेयर्ड फोल्ड है। तो एक लिगामेंट तो ये हो गया, उसी का पार्ट है मेसोवेलियम होता है। देन उसके बाद जो अपने सेकंड लिगामेंट है जो ये वाला ये लिगामेंट है, इस लिगामेंट को बोलते हैं हम ओवेरियन लिगामेंट। जो ये ओवेरियन लिगामेंट होता है इसका फंक्शन क्या होता है, इट कनेक्ट्स या फिर जॉइंट्स
ओवरीज टू यूट्रस, ये ओवरीज को यूट्रस के साथ ज्वाइन करता है। देन उसके बाद एक अपना लिगामेंट यहां भी प्रेजेंट होता है इस तरह से, मेसोमेरियम, आपको समझ आ गया होगा। ये एक लिगामेंट यहां भी प्रेजेंट होता है, जो ये वाला अपना लिगामेंट है, ये लिगामेंट अपना सस्पेंसरी लिगामेंट है। तो जो अपना ये वाला, ये इस तरह से जो सस्पेंसरी लिगामेंट है, इसका फंक्शन क्या होता है? अटैचेस ओवरी टू पेल्विक वॉल। ये जो भी पेल्विक वॉल होती है, पेल्विस की वॉल होती है, उसके साथ ओवरीज को अटैच करते हैं। तो ये तो थे अपने तीन लिगामेंट, ब्रॉड लिगामेंट, ओवेरियन लिगामेंट, और जो लास्ट में थर्ड था अपना सस्पेंसरी लिगामेंट। जो सपोर्टिंग स्ट्रक्चर्स है, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को या फिर ट्रैक्ट को एक पोजीशन में होल्ड करके रखते हैं, तो इसी के साथ अपना जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो पूरा होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जितना कुछ आज समझाया गया सब कुछ समझ में आया होगा। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग मी केयरफुली एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वर्क।